सो गाइस, जिस तरह से मैं आपको चोलस्तान की लाइफ दिखाता हूँ, वो पंजाब के जनूबी पंजाब है यानी, और ये इसी तरह से ये सिंध का एक इलाका है, ये बिल्कुल समुंदर के पास ही पड़ता है। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है, रहने सहने का कल्चर भी, और अगर आप इनकी कंस्ट्रक्शन देखें वो भी डिफरेंट है। तो ये इस तरह से ये लकड़ी है, ये लगा के पूरा घर बनाते हैं, इवन कमरा भी इसी का बनाते हैं, और उसके ऊपर फिर मिट्टी का लेप करते हैं। मैं भी आपको तो सारा ये दिखाता हूँ गैस, क्योंकि ये एक रिमोट एरिया है, यहाँ पे अगर ये पक्की कंस्ट्रक्शन करते हैं ना अगर ईंटों की, वो कामयाब नहीं है। ये सामने इनके घर हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये माल मवेशी पालते हैं जी ज़्यादा, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये इनके घर हैं जी इस तरह के, और ये देखें अभी ये लेपा लगा रहे हैं। ये इसके अंदर भी वो लकड़ी लगी हुई है, लकड़ी है, फिर ऊपर ये लेप किया है, मिट्टी वाला, ठीक है। ये इनका घर है जी, ये जैसे कि ये नज़र आ रहा है, तो इसी तरह से इन्होंने ये बनाया, लेकिन इसके ऊपर ये सारी मिट्टी का लेपा किया हुआ है। ये भी मिट्टी का, ठीक है, अंदर लकड़ी है, फिर इसके ऊपर मिट्टी लगाया, अंदर लकड़ी ऊपर फिर मिट्टी है, वो बांस लगाया होगा जैसे ये ऊपर डला हुआ बांस है, सही है। ये आपका ये वाला किचन खाना है, अच्छा इधर आप खाना वाना बनाते हैं। इधर इलेक्ट्रिसिटी है, और ये गर्मियों में तो काफ़ी ये हवादार होते हैं, सर्दियों में इनको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है। और ये मशीन है जी इसके, ये पुराने दौर में होती थी, ये यहाँ से इसको ऐसे करके चलाते थे, वो व्हील घूमता है, फिर ये साथ इस पर आई थिंक कढ़ाई होती है या सिलाई, इस तरह के काम किए जाते हैं। तो क्या जिस तरह से ये घर है, ये चार लोग इधर रहते हैं, तो अगर आप इस तरफ चलें जी, ये चार पाँच घर हैं। तो ये देखें, ये सेम एक्टिविटी इधर भी हो रही है, क्योंकि अभी सर्दियां आने वाली हैं, उससे पहले पहले ये जो ना इस तरह से अपना घर अच्छा कर लेंगे। इसी तरह से ये रूम है जी इनके, ये देखें जी सामने, तो इनको बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ, अगर कैमरा सही तरह से आपको दिखा दे, ये देखें। ये कौन बनाता है वो अंदर जो बने हुए हैं वो फूल, बच्चे बनाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसी हाथ से बनाया या कोई चीज़ ऊपर रख के, हाथ से शेर से रंग लेके, हाँ और उससे बनाया, ज़बरदस्त। तो अभी गैस शाम होने वाली है, तो उससे पहले ये लोग अपना खाना वाना बना के, ये अनाज जो होते हैं ना हमारे खाने का अनाज जो इधर खेतों में पकते हैं वो अनाज है। अच्छा, इस एरिया में तो ज्यादा चावल की रोटी खाई जाती है, चावल की। आप चावल की खाते हैं, गंदम की? चावल की, क्योंकि इधर चावल होते हैं ना। हाँ, चावल ज्यादा, इस वजह से चावल की रोटी होती है। सही, अभी वो चावल की रोटी बना रही है, ये चावल वाला, ये वो जो सैला चावल होता है, सैला। तो गाइस, मैं समझ रहा शायद गंदम का है, लेकिन वो खतून जिस तरह से बना रही थी, ये बेसिकली चावल की रोटी है। इस तरह इसी एरिया में चावल की रोटी खाई जाती है, अदरवाइज बाकी इलाकों में सारे ज्यादा लोग गंदम की, ये वाला, ये चावल का आटा है, ठीक, इसीलिए वो स्लो स्लो बना रही है ना, वरना टूट जाती है रोटी, सही है, इसीलिए वो यूं यूं करके बना रही है ना, गंदम की नहीं टूटती, ऐसे ही, यानी एक घर का ये किचन है। खाना पका रही है, अच्छा इधर खाना पका रही है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये सामने जिनके रूम है उनका ये किचन है, यहाँ पे ये बड़ा मुसर सा सामान रखा हुआ है, एक बाजी यहाँ पे ये खाना बना रही है, ये सारे चावल की रोटी बनाते हैं, सारे चावल, ठीक है। तो
इसी तरह से वो जो कमरे हैं उनका वो किचन मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपका कौन सा है भाजी? वो वाला हाँ। ये भी सूखा तो है नहीं, ये फिर ऊपर चल चल के खराब नहीं होगा? हाँ तो ये गए इधर, भाई ये बाजी है ना सब्जी बनाएंगी, ये उसी की प्रिपरेशन कर रही हैं। सुबह से लेके इन्होंने ये इस तरह से ये लेपा लगाया है, बच्चों को स्कूल भेजा है, बच्चे वापस आए हैं, अभी इनका ये काम स्टार्ट हो गया है। वाह जी वाह, ये देखें जी, ये उधर से भी टाई किया हुआ है, इस तरफ से भी, और ये नीचे रस्सी है, छोटे बच्चे उसको घुमाते रहते हैं, बच्चा सोया रहता है। तो ये इंटरटेनमेंट के लिए जी टीवी भी है, ये सामने लगा हुआ है। तो इधर कितनी फैमिली रहती है? इधर हमारे चार भाई हैं हम। ठीक है, चार ही फैमिली हैं। ठीक है, तो ये चार भाई हैं यहाँ पे। और ये देखें ये इस तरह के गैस, ये अभी मट्टी इन्होंने अभी लगाई है, ये देखिए अभी नरम है। तो ये घर को साफ सुथरा रखने के लिए इसी तरह से मिट्टी का ये लेपा किया जाता है। तो ये तो बारिश के बाद तो फिर ये खराब हो जाता है, खराब हो जाता है जैसे अभी बारिशों का सीजन खत्म हुआ है, बारिशों का सीजन खत्म हुआ है तो अभी ये वरी दोबारा फिर लगा रहे दोबारा। सही है। तो गाइस ये बहुत ही रिमोट एरिया है, यहाँ पे परमानेंट कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि वो यहाँ पे पानी में ना साल्ट बहुत ज़्यादा है, सी साल्ट, उसकी वजह से वो बिल्डिंग जो है ना जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये वाली जो बिल्डिंग है ये सस्टेनेबल है। अगर आप इस इलाके में आएँ तो आपको बाँस और लकड़ी की इस तरह की बहुत सी दुकानें नज़र आएँगी। ये सामने वो देखें किसी तरह का बना हुआ है, मैं पास जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये बनाते हैं। तो ये नलका लगा हुआ है, पानी सही है इसका पीने के लिए? ये मीठा नहीं है। मीठा नहीं, फिर पीने के लिए क्या करते हैं? पीने के लिए इधर से वो उधर दूर से ले, दूर से लेके आते हैं। सही है, ठीक है। ये बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फाइव में। आप? फाइव। आप? तीनों फाइव में। अच्छा, अपने नालो बताए। श्री श्री पूरा पूरा श्री चंद ताजो राजकुमार चंद राजकुमार राजकुमार ठीक है कृष्ण कुमार कृष्ण कुमार ठीक है। तो ये भी इनका अधि ताजो नालो अजना सही। ये भी स्कूल कौन सी क्लास में पढ़ती है? कौन सी क्लास? फोर। हाँ, फोर क्लास में पढ़ती। ये अच्छी बात है जी, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। ये इनका नाम राजेश है, राजेश हमरा। वाह जी वाह जी, ये राजेश, उन्होंने अपने शर्ट के ऊपर भी लिखवाया हुआ है। ये अच्छी बात है जी, हालांकि रिमोट एरिया लेकिन फिर भी यहाँ पे ना स्कूलिंग का निज़ाम अच्छा है। सेम फॉर्मेट है जी हर घर का, ये यहाँ पे आउटडोर कुकिंग करते हैं। और ये आई थिंक वो मुर्गियों के लिए बनाया हुआ है, साइडों पर थोड़ा सा पानी भी है, ये क्योंकि ये यहाँ पे ये सारा ना समंदर के आसपास है तो इस वजह से अगर बारिश हो जाती है पानी जल्दी खुश्क नहीं होता, तो दैट्स वाई कि यहाँ पे मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मच्छर बहुत होते हैं मुझे पता है इस इलाके का। तो ये देखिए जी एक कमरा, ये हम बड़े खुश हो जाएंगे।
सो गाइस, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं या दुनिया का पाकिस्तान इंडिया में, रोटी जो कि इस तरह से बना के, ये मैनी डेटरी है, वही तरीका है। किसी जगह पे लकड़ी जलाई जाती है, कहीं पे गैस होती है, इंग्रेडिएंट्स वही हैं, तरीकाकार भी वही है। ये देखे सामने आपको ये मच्छरदानियाँ नज़र आ रही, ये पड़ी हुई हैं। इवन इंसान क्या कि यहाँ पे जो इनके भैंसे हैं उनके लिए भी इन्होंने वो मच्छरदानियाँ लगाई होती हैं, वो सामने लगी हुई है। ये सब घरों का एक ही फार्मेट है जी। ये इन्होंने, ये किचन है जी, बारिश या सर्दियों में यहाँ पे कुकिंग के लिए। ये सेम उसी तरह से जी घड़े रखने के लिए। इसमें क्या है? अच्छा, दरख्त लगाया है। वो दरख्त लगाया जी, कोई जानवर इसको खा ना जाए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। कि इस तरह की ये घरों में हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाती हैं। इनको सिंध में रिली कहते हैं, गिंदी भी कहते हैं, और कुछ आपको प्रिंटेड मिलती हैं, लेकिन ये इन्होंने कपड़े के पैच काट काट के वो सारी बनाई हुई है। ठीक है, हाँ समझ आ रही है मुझे। तो कितने दिन लगते हैं एक पेज पे? चार पाँच डी। ठीक है, सही। ये आपकी फैमिली है? सही है। तो भाई ये देखें, इस तरह से ये काफ़ी सारे ये टेक्सचर बनाते हैं। भाजी भाजी बनाते हैं, जरा देखा खाटी हो रही है। दाल है या कड़ी है? दही का बनाया हुआ वो एक कड़ी कड़ी जी। हाँ कड़ी। सुबह जिस तरह से वो दही में वो डाल, हमारे एरिया में कड़ी कहते हैं। तो इधर आप क्या कहते हैं इसको? दही का खटिया। दही का खटिया। खटिया सही, हमारी बोली में ये कहते हैं। आपकी बोली में ये कहते हैं। तो गाय जिसको हम कड़ी कहते हैं, वो जो बेसन और लस्सी वगैरह डाल के बनाते हैं, सेम वही चीज़ है। खटिया बनाते। तो यहाँ पे दही का खटिया कहते हैं, खटिया कहते हैं, क्योंकि खट्टा होता है इस वजह से। हाँ वो उस वजह से। सही सही है। इधर आप आपस में भी सिंधी बोलते हैं या आपकी मरवाड़ी है? मरवाड़ी है। आप मरवाड़ी बोलते हैं, वैसे ओवरऑल सिंधी बोलते हैं जैसे दूसरों के साथ। उधर पंजाब में भी ऐसे ही है, वो भी आपस में मरवाड़ी बोलते हैं। हम भी ऐसे मरवाड़ी। आप कोली? यानी आपकी कास्ट कोली है। सही है, ठीक है, आ जाए। तो इस एरिया में जी आपको इस तरह के केबिन मिलेंगे रोड साइड पे भी और छोटे छोटे टाउन के अंदर। तो इस पे जो है ना रोज़मर्रा की चीज़ें मिलती हैं और इस तरह से ये लॉक करके फिर चले जाते हैं। अच्छा ये ठीक है, सही। और ये किस लिए? ये इसका झूला है, झुलाने के लिए, वो तस्वीरें जो पड़ी है इसमें रखकर। तो अगर ये झूला है वो तस्वीरें रख के इसके अंदर ये ठीक है उनको, यानी एक ना रिस्पेक्ट देने का इनका एक वो तरीका कार है। अच्छा ये जो आपने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं ये वाली, कुछ औरतें तो वो थोड़ी पहनती हैं, कुछ पूरी बाजू भरा होता है। ये शादीशुदा है, जो गैर शादीशुदा होते हैं ना तो उसको सरद से बाजू में इधर ऊपर वाली की जाने होती। नहीं होती, जिनकी शादी हो चुकी होती वो फुल बाजू तक। ठीक है। सो गाइस इन एरियाज में अगर आप आएँ तो ये देखें, ये बंदा ये मूँगफली भेज रहा है और इसने ये धागे के अंदर इसके हार बनाए हुए हैं। ये देखें, ये सारा इसमें से, जैसे ये देखें,
ये तरीकाकार है जी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। गरम गरम यहाँ पे ये मूंगफली बना रहे हैं जी। ये कैसे डालते हो इसके अंदर वो सुई से? कितना टाइम लगता है? ये 15 दिनों का ज़्यादा है। अच्छा, 15 दिन नहीं, जो आप बेचते हो वो तो ये वाली बेचते हो ना? तो ये वैसे ही सिर्फ वो दिखाने के लिए? दिखाने के लिए। ठीक, आखिर खत्म हो जाता है ना। हाँ, ओके ओके। तो गैस ये सिर्फ इन्होंने गाहकों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से ये किया हुआ। इवन के रात को तो वो ये कहते हैं कि हम इसके ऊपर वो ऐसे थोड़े से पिलर लगा के यहाँ पे इसको साथ LED लाइटें लगाई होती हैं ताकि लोग जो है ना अट्रैक्ट करें। तो हर एरिया के जी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। गैस ये थार डेजर्ट से दूध आता है, वहाँ पे लोग गाय ज़्यादा पालते हैं, तो यहाँ की चाय बड़ी मज़े की होती है। तो ये हमने रास्ते में देखा, काफ़ी लोगों का रश था, हमने सोचा चले इधर से चाय पी लेते हैं। ये गैस दूसरी दफ़ा चाय मंगवाई है, पहले अभी एक गुंड भरा था, शायद दो मक्खियों ने ना इकट्ठा जीने मरने की कसम खाई हुई थी और वो इसमें डूब के मर गई। अभी दोबारा मंगवाई हुई। गैस इस एरिया में जो आबादी है वो स्कैटर्ड है, यानी डिफरेंट डिफरेंट जगह के पांच पांच छः छः घर होंगे। तो वो ये एक छोटा सा शहर है साथ ही, तो सारे लोग यहीं पे शॉपिंग वगैरह के लिए आते हैं। सामान रखने के लिए इस तरह के ये कलरफुल बॉक्स यूज़ होते हैं।